हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाटरप्रूफ सेट प्रूफ मेकअप ट्यूटोरियल फॉर समर। और साथ ही इस लुक को मैंने क्रिएट किया है ओलिविया के साथ। ओलिविया की मेकअप स्टिक एंड पैनकेक को यूज़ करके मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। एंड साथ ही आपके साथ मैंने शेयर किया है कि हम ओलिविया को कैसे फुल कवरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ टोनर अप्लाई किया है। उसके लिए मैंने ये गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर अप्लाई कर लिया अपने फेस पर। अच्छे से डैप डैप करके स्किन में एब्जॉर्ब कर लूँगी। देन मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ ये गुड वाइब्स का कोकोनट फेस क्रीम है। इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसको मैंने अपने फेस पर एंड नेक पर दोनों पर अप्लाई किया है और ब्लेंड कर लिया है कुछ इस टाइप से। देन प्राइमर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइट का डूई ल्यूमिनेक्स प्राइमर है। ये टिंटेड प्राइमर है। इसको अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई करूँगी जहाँ हमारे ओपन पोर्स होते हैं। उनको काफ़ी अच्छे से ब्लर आउट करता है एंड साथ ही काफ़ी ग्लोई सा लुक देता है, आप देख सकते हो। सो यहाँ मैंने पैनकेक ले लिया है और ये मेरी मेकअप स्टिक भी है ओलिविया की। ओलिविया की पेन स्टिक जो है वो 01 है और जो पैनकेक है वो आई थिंक 26 है, एलमंड डस्ट शायद। सो इस तरह से मैं स्क्रैच करके एक बाउल, आपके पास अगर कोई मिक्स करने वाला पैलेट हो वो ले सकते हो आप। तो मैंने यहाँ बाउल लिया है, उसमें इस तरह से स्क्रैच कर लूँगी मैं पैनकेक को भी और अच्छे से दोनों चीज़ मिक्स करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी ये इल्यूमिनेटर है लिक्विड स्विस ब्यूटी का। आप इसकी जगह कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, मॉइस्चराइजर भी ऐड कर सकते हो। सो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देन इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर एंड नेक पर। आप देखना ब्लेंड करने के बाद इसकी जो कवरेज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हाई हो गई है, हाई कवरेज है। और ब्लेंड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था लेकिन मैं इसको ब्लेंड कर लिया था अच्छे से और ये बिल्कुल एकदम लॉन्ग लास्टिंग वाला बेस क्रिएट हो गया था। सो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइज, यहाँ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन इसको डैप डैप कर रही हूँ मैं स्पॉन्ज की हेल्प से ताकि कोई भी क्रीज लाइन वगैरह ना रहे। देन कंसीलर के लिए मैंने पिक किया है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का HD कंसीलर है। काफ़ी अच्छा कंसीलर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाला कंसीलर गाइज, फुल कवरेज प्रोवाइड करता है और मैट कंसीलर है प्रॉपर और काफ़ी हाई कवरेज है इसकी और HD कंसीलर है। इसको मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। देन क्रीम कॉन्टोर के लिए मैंने NYBA की स्टिक ली है, कॉन्टोर स्टिक, और इसको मैं अपनी जॉ लाइन पे अपनी कॉन्टोर एरिया पे अप्लाई कर लूँगी इसको अच्छे से। देन इसको मैं ब्लेंड करूँगी। सो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है इसको ब्लेंड करने के बाद। सो गाइस, इन सबको मैं सेट करूँगी। फेसेस कनाडा के कॉम्पैक्ट है, इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया ये वाला भी। सो अभी यहाँ मैं सब कुछ सेट कर लूँगी मेकअप फिक्सर की हेल्प से ताकि जो भी हमारा बेस है वो अच्छे से लॉक हो जाए, बिल्कुल भी क्रीज ना करे। सो मैंने मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लिया इसके ऊपर और यहाँ आईब्रोज मैं फिलिंग करूँगी। वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट ली है मैंने, इसको फिल करूँ मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से। काफ़ी अच्छी पैलेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है ये आईब्रो किट। सो गाइज, यहाँ मैं करने वाली हूँ स्मोकी आई मेकअप, ग्लिटर स्मोकी आई क्रिएट करना है मैंने, रेड ग्लिटर स्मोकी आई। तो सबसे पहले हम बेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ काजल ले लिया, कोई भी काजल ले सकते हो आप, जेल लाइनर भी ले सकते हो। सो इसको मैं कुछ इस टाइप से, बहुत ही आपको प्रिसाइजली ड्रॉ नहीं करना है, बस रफली ड्रॉ कर लेना है। देन इसको ब्लेंड करना है एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, ग्लिटर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कीजिएगा। सो ईजिली ब्लेंड हो जाएगा और पहले एक ही आई पे अप्लाई कीजिएगा। अभी यहाँ मैंने मार्स की पैलेट ली है, आई शेडो पैलेट्स में से ब्राउन कलर के शेड पिक किए हैं और उसको मैं अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस टाइप से। इसकी जितने भी हार्श लाइन है उनको सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो अभी हमने ग्लिटर आई शेडो पैलेट ली है, ग्लैम 21 की है। इसमें से मैंने रेड कलर का ये ग्लिटर आई शेडो पिक किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं इसमें, बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है पैलेट ये।
सो इसको टॉपअप कर दूंगी मैं काजल के ऊपर। सो जस्ट कुछ इस टाइप से टॉपअप कर दिया है मैंने। और लाइनर के लिए मैं अप्लाई करूँ ब्लू हेवन का लाइनर है, इसे बहुत ही सिंपल था, क्लोज क्लोज अपनी लैश लाइन के मैं ड्रॉ करूँगी लाइनर। सो गाइज यहाँ बेकिंग के लिए मैंने अप्लाई किया है मार्स का बनाना पाउडर, अप्लाई कर लिया है अपनी अनड्राई में जॉ लाइन से ऊपर, कुछ इस टाइप से अप्लाई कर लिया है। कॉन्टोर एंड ब्लश के लिए मैंने अप्लाई की है क्लेमी कॉस्मेटिक की पैलेट है ये, इसमें से कॉन्टोर वाला शेड पिक करके पाउडर कॉन्टोर अपनी चीक्स को कॉन्टोर करूंगी, जॉ लाइन को, अपनी नोज को एंड फोरहेड को कॉन्टोर करूंगी। सो अभी यहाँ जितनी भी मैंने बेकिंग के लिए अप्लाई किया था बनाना पाउडर उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी लिटिल बिट सेट करके अपने फेस को। सो यहाँ वही मैं सेम काजल अप्लाई कर ले रही हूँ, ये है बेला बोस्टे का जेल लाइनर था, काजल था, इसको मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर ले रही हूँ। देन अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मज करूंगी ब्लैक एंड ब्राउन कलर के आई शेडो को लेकर काजल के साथ स्मज करूंगी। सो अभी यहाँ सेम पैलेट में से ये वाले ब्रश शेड पिक किए हैं और उसको मैं अपने एपल ऑफ चीक्स पर अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है गाइस, ये ना अफोर्डेबल रेंज में है। हाइलाइटर के लिए मैंने ये वेट एंड वाइल्ड की ये हाइलाइटर पैलेट ली है, प्रिसियस पेटल्स है इसका नेम, और इसको मैंने अप्लाई कर लिया ब्रश की हेल्प से अपने बिजोती नोज पर, चीक बोन्स पे अप्लाई किया है, क्यूपिड्स पे एंड चिन पे एंड साथ ही फोरहेड पे अप्लाई किया है। सेम हाइलाइटर को लेके मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी एंड अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूंगी सेम हाइलाइटर से। मस्कारा के लिए हमें अप्लाई कर रही हूँ ये है लोटस का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, उसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने अपर एंड लोअर दोनों लैशेस पे अप्लाई किया अच्छे से। सो यहाँ लिपस्टिक के लिए मैंने किस ब्यूटी की लिपस्टिक ली है शेड अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये रेड एंड मरून काइंड ऑफ शेड है, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है एंड लास्ट में एक बार और मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई करूंगी ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से लॉक रहे, बिल्कुल भी क्रीज ना करे, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्वेट प्रूफ रहे। सो गाइस यहाँ मेरा लुक कंप्लीट हो गया है, आज का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।